नमस्कार मित्रों, आज के 10 ताजा खबर के लिए तैयार रहिए शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पर। आज की पहली ताजा खबर, विदेश में काम करने वाले भारतीय एनआरआई को झटका, भारत में होने वाली कमाई पर देना होगा टैक्स। आज की दूसरी ताजा खबर, एक मंच पर नजर आए जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली वालों से मांगा एनडीए के लिए वोट। आज की तीसरी ताजा खबर, शाहीन बाग में विवाद, हिरासत में लिए गए 50 से अधिक लोग, तनाव की स्थिति के बीच भारी पुलिस बल तैनात किए गए। आज की चौथी ताजा खबर, श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 लोग घायल। आज की पांचवी ताजा खबर, कोरोना वायरस का दूसरा मामला मिलने के बाद भारत से चीन से आने वालों के लिए ई वीजा सुविधा को स्थगित किया। आज की छठी ताजा खबर, प्रधानमंत्री मोदी बोले 2020 बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। आज की सातवीं ताजा खबर, बजट में शेयर बाजार में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट, एक दिन में डूबे 3.5 लाख करोड़ रुपए। आज की आठवीं ताजा खबर, अब पीएफ में जमा पैसे पर भी लगाया जाएगा टैक्स, वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा ऐलान। आज की नवी ताजा खबर, फिल्म की दुनिया से रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र का रिलीज डेट हुआ चेंज, अब मई नहीं दिसंबर तक करना होगा इंतजार, करण जौहर का ऐलान। आज की दसवीं ताजा खबर, खेल की दुनिया से ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में राजीव राम और जॉय सली सबरी ने मेंस डबल्स खिताब जीता, फाइनल में मैक्स पुकरेल और लुकू सेवरिले को हराया। धन्यवाद, जय माता की।